अब ये जो आप इलेक्शन को तो डिले आपकी तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि पीपल पार्टी और त्रिगन साहब तो कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन आपके लोग अभी तक जून ही ली कि इलेक्शन कब होने चाहिए। वो एक आपके दो तीन लीडर हैं जो फरवरी में इलेक्शन करा रहे हैं, जैसे कि आप डेट तय करके गए हैं पहले, हालांकि होना तो यही चाहिए। नगरान है, नगरान आते वो इलेक्शन की बात को, वो इलेक्शन की बात नहीं कर, सिर्फ कब बात करती है पीपल पार्टी और पीटीआई, और आपकी तरफ से इतना जोर नहीं है इलेक्शन के बारे में, क्योंकि आपके पास वोट नहीं है। इसलिए मुझे ये बताएं, जब आपके पास वोट भी नहीं है और आप जिस तरीके से आपने महंगाई इतनी आप पाकिस्तान में 1.5 साल में लेके आए हैं, लोगों का जीना दूभर हो गया, बच्चों को दूध पिलाना मुश्किल हो गया, स्कूल की फीसें देनी मुश्किल हो गई है। मुमकिन आप आपको ना हो, लेकिन पूरी मिन हसल कौम 25 करोड़ आवाम रो रहे हैं आपकी जान को कि आपने ये क्या किया। तो मुझे आप वोट के मुंह से मांगेंगे साहब, ये बात नहीं है। जो बात मानने वाली वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। ये मुझे पता है, इलेक्शन के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वन पेज पे हैं, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग नून, नून तो सबसे पहले है कि क्योंकि हमने ही प्राइम मिनिस्टर बनना है अल्हम्दुलिल्लाह वाम की वोटों से। अच्छा। तो हम तो पहले चाहते हैं इलेक्शन हो, लेकिन उसमें जो आईनी आईनी मेरी बात कुछ हो चुकी है, उसमें जो आईनी आईनी पर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो ये था जो आप बात कर रहे हैं ना, वो देखिए क्योंकि 2017 में जब इलेक्शन हुए हमारे 2018 में, तो उस वक्त ये हमारा एक कंसेंसस के साथ इमरान खान की हुकूमत में ही मुश्तरका पार्लियामेंट में एक कॉमन हाउस में, यानी कि ये सब पॉलिटिकल पार्टीज ने फैसला किया कि आने वाला इलेक्शन जो है 2018 के इलेक्शन के बाद जो 2023 में आएगा वो नई मर्दमशुमारी के ऊपर। सही बात। तो चूंकि नई मर्दमशुमारी भी हो गई, उसमें सारा कुछ हो गया, अब हल्का बंदी कानून की बड़ी पासदारी पे कौम की कानून की आ गई। इलेक्शन यार 90 दिन में कराना है तो आपने सुप्रीम कोर्ट के भाई, सर वो बात भी आपकी आईनी है और ये बात भी आनी आईनी बात ये है कि आपको असम्बलियों से अगर आप वक्त पे खत्म होती हैं तो 60 डेज में, अगर असम्बलियां अपने एक दिन पहले भी खत्म हो जाती हैं तो 90 डेज में। ये एक आईन हमारा कहता है, अब आपके कजन से पूछते हैं ये मुझे मुकम्मल करने दे, फिक्र है उसके बाद मेरे भाई को दे दे। आईन ये बिल्कुल वो हमारी पार्टी का वो हमारे पीडीएम का हिस्सा है। आईन सर ये भी कहता है जब आपकी मर्दमशुमारी हो जाए फिर नई हल्का बंदी बनती है, हल्का बंदी के बाद आपने इलेक्शन करवाना है। इलेक्शन करवाना अब चूंकि उसमें चेंज आ गई हुई है, प्रेसिडेंशियल पावर खत्म हो गई, वो डेलीगेट हो गई है इलेक्शन कमीशन को,